महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. उल्हासनगर शहरात पहिल्यांदा साहित्य सम्राट अण्णाभाऊ साठेंची आर्ट गॅलरी उभारण्यात आली आहे आणि माता रमाबाई आंबेडकर नगर प्रवेशद्वाराचं उद्घाटन आज माजी आमदार पप्पू कलानी आणि जिल्हाध्यक्षा पंचम कलानी यांच्या हस्ते संपन्न झालं. नगरसेविका शुभांगी निकम यांच्या पाठपुराव्याने आणि समाजसेवक कमलेश निकम यांच्या संकल्पनेतून अण्णाभाऊ साठे यांची आर्ट गॅलरी कॅम्प नंबर 2 खेमानी परिसरात साकारण्यात आले. अण्णाभाऊचे विचार घराघरात पोचले पाहिजे या दृष्टिकोनातून ही आर्ट गॅलरी उभारण्यात आल्याचं कमलेश निकम यांनी सांगितले. यावेळी मोठ्या संख्येने प्रभागातील नागरिकांनी गर्दी केली होती. शुभांगी निकम यांनी प्रभागात असंख्य विकास कार्य केले असून अजूनही विकास कामे सुरूच आहेत, परंतु याच प्रभागातून उपमहापौर निवडून आले त्यांना विकास करता आला नाही असा खोचक टोला मनोज लासी यांनी भगवान भालेराव यांना लगावला. यापुढेही जनतेने 4 नगरसेवक एकाच पक्षाचे निवडून दिल्यास प्रभागाचा कायापालट करून दाखविला असं आश्वासन कमलेश निकम यांनी नागरिकांना दिलंय. आज ते 5 पहिले जब 2017 में इस क्षेत्र में देखा जाता था तो कहने का विकास था सिर्फ, और 5 में जो निकम परिवार ने, विशेष राष्ट्रवादी की हमारी नगरसेविका शुभांगी निकम ने और कमलेश निकम ने, जो हमारे प्रवक्ता हैं पक्ष के, उन्होंने जो इस क्षेत्र में रमाबाई अंबेडकर नगर हो, भैया साहब नगर हो, हनुमान टेकड़ी हो या पूरा आज़ाद नगर हो, पूरा जो क्षेत्र है 7 का, उसमें पूरी तरह से विकास की गंगा यहाँ पर वही है. मैं तो खुले दावों के साथ हमेशा कमलेश को कहता हूँ कि पप्पू कलानी की जो सोच थी, सीमेंट की सड़कें होनी चाहिए, घर घर पानी होनी चाहिए, शौचालय होने चाहिए, समाज मंदिर होने चाहिए, इस तरह के प्रवेश द्वार होने चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, विकास होना चाहिए, उस संकल्पना को तूने ही सड़क पर लाया है, रोड पर लाके उसको अमली जमा पहनाया है. तो आज उसका एक और प्रमाण है ये माता रमाई अम्बेडकर नगर प्रवेश द्वार, जिसे आज तक सिर्फ अम्बेडकर रमाबाई अम्बेडकर के नाम से जाना जाता था, और ये प्रवेश द्वार ने उसकी शोभा बढ़ाई है. और ये पहली उल्हासनगर की साहित्य रत्न अण्णाभाऊ साठे आर्ट गैलरी, तो हमारा उल्हासनगर का जो सबसे बड़ा क्षेत्र है गोल मैदान हो या 5 का प्रभात गार्डन हो, वहाँ भी इस तरह का विकास नहीं देखा जा रहा है जो रमाबाई क्षेत्र में निकम परिवार ने और उनके सभी साथियों विशाल हजारे या हमारे पूर्व नगर सेवक गणपति एरके जी, दिनेश राय जी, राय परिवार है, उन सभी ने मिलकर यहाँ पे जो कार्य किया है. बाकी इस प्रभाग में ऐसे बहुत बड़े नेता जो बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, महापौर रहे हैं, उपमहापौर रहे हैं, वो भी रहे हैं, पर वो सिर्फ इसी ऑफिसों में बैठकर महानगर पालिका में अपने कार्य करने में लगे हुए थे. कमलेश निकम ने और निकम परिवार ने और शुभांगी निकम ने यहाँ पर सड़क पर आकर लोगों के बीच जाकर हर समाज, हर वर्ग, चाहे मातम समाज हो या दलित समाज हो, मराठा समाज हो या व्यापारी क्षेत्र हो, उनके बीच में जाकर कार्य किया है. और मैं उनको यहाँ पे धन्यवाद कहता हूँ समस्त आपकी तरफ से. और जो आज कमलेश निगम का एक और दावा है कि मुझे आपने 2 दिए गाड़ी में, एक टायर तो भाग गया, फिर भी अकेले होके मैं इतना काम किया, अगर इस प्रभाग के 4 गाड़ी के टायर मुझे मिल जाते हैं, 4 चक्के मिल जाते हैं, तो उल्हासनगर का सबसे अग्रिम क्षेत्र, सबसे हाई टेक्निक वाला क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में शिक्षा के लिए स्कूल, अस्पतालें, छोटे छोटे मोहल्ला क्लिनिक, छोटे छोटे सब घर घर में जो भी काम बचे हुए हैं उनको पूरा करूंगा. तो कमलेश निकम को बधाई. निकम, मैं ये कहूंगी कि पिछले पाँच सालों में पूरे उल्हासनगर महानगर पालिका में जिस कॉरपोरेटर का काम हुआ है वो है हमारी शुभांगिनी भाभी. पूरे 5 में रमाबाई अम्बेडकर नगर, सब आजू बाजू के एरिया उन्होंने इनको डेवलप किया है. जहाँ देखें हम सीसी है, बाथरूम्स बनाए हैं इन्होंने काफ़ी सारे. अभी मुझे नहीं, पानी की व्यवस्था जो टेकरी पे थी ही नहीं बहुत सालों से, पिछले 25 से, वो भी इन्होंने पानी भी उनको दिया है. तो मैं ये कहूँगी कि जिस हिसाब से हम काम कर रहे हैं, अगर आप और हमें पूरी बहुमत देंगे नेक्स्ट इलेक्शंस में, तो हम इस पूरे शहर की काया पलट कर देंगे. आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर. श्री पंचमुखी हनुमान ज्योतिषालय. हनुमान उपासक पंडित श्री विश्वनाथ भट्ट गुरु जी, साउथ इंडियन फेमस एस्ट्रोलॉजर. बहुत ज्योतिषी के पास जाकर भी आप निराशा है, एक बार भगवान पर विश्वास रखकर मिले, एक मुलाकात आपका तकदीर बदल देगा. आपका हस्तरेखा, जन्म कुंडली, फेस रीडिंग से आपका जीवन का पूरा भविष्य बताते हैं.
शिक्षण, नौकरी, कर्ज मुक्ति, राजकारण, शत्रु पीड़ा, सास बहू में त्रास, स्त्री पुरुष प्रेम, प्रेम भंग, पति पत्नी समस्या, कोर्ट कचहरी, धन संपत्ति, विदेश यात्रा, बिजनेस, शारीरिक और मानसिक चिंता, संतान सुख, आपका जीवन का ए टू जेड समस्याओं के लिए तुरंत मार्गदर्शन मिलेगा। गुरुजी के पास विश्वास रखकर आइए, 100% संपूर्ण मार्गदर्शन मिलेगा। आपका हर एक समस्याओं को गुप्त रखा जाएगा। गुरुजी को आज ही अवश्य मिलिए। श्री पंचमुखी हनुमान कृपा से तुरंत निवारण किया जाएगा। पंडित जी हिंदी, मराठी, कन्नड़ से भविष्य बताते हैं। पता: साई पैराडाइज बिल्डिंग, शॉप नंबर 5, रुचिरा ज्वेलर्स के बाजू में, गुप्ते रोड, रेलवे स्टेशन के पास, डॉबी वैली वेस्ट, मुंबई। फोन नंबर 9663296566।